मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सत्ते पे सत्ता में मैं और मेरे साथ छह और एंकर्स आपको बताएंगे सुशांत के खिलाफ शाहरुख और सलमान वाली साजिश का पूरा सच। मैं हूं प्रत्युष खरे। सत्ते पे सत्ता में मैं आपको बताऊंगा सुशांत की मौत के बाद किस टीवी कलाकार ने एक्टिंग छोड़ने का कर लिया था इरादा। मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। सत्ते पे सत्ता में आज मैं आपको बताऊंगी रिया ने आखिर क्यों किया सुशांत के साथ रिलेशनशिप से इनकार। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सत्ते पे सत्ता में मैं आपको बताऊंगी कि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के फ्लैट का सुशांत से क्या कनेक्शन है। मैं रोहित रंजन। सत्य पे सत्ता में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। मैं हूं श्वेता जया पांडे और सत्य पर सत्ता में आज मैं आपको बताऊंगी अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्टेट असेंबली ने कैसे किया सुशांत सिंह राजपूत का सम्मान। मैं हूं मलिका मल्होत्रा। सत्य पे सत्ता में मैं आपको दिखाऊंगी सुशांत का उनकी बहनों के साथ एक बेहद खास वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रोजाना कोई ना कोई नया एंगल सामने आ रहा है, नया मोड़ सामने आ रहा है। अब जो खुलासा हुआ है या अब जो नई बात सामने आई है वो सुशांत के दोस्त और जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने कही है। सुनील शुक्ला ने दरअसल ये बताया है कि किस तरह से सुशांत के करियर को खत्म करने को लेकर बॉलीवुड में एक बड़ी साजिश रची गई और इसमें कई नामी गिरामी अभिनेता जो है वो शामिल है। अब इस आरोप के बाद शाहरुख और सलमान समेत शाहिद कपूर पर भी सवाल उठने लगे हैं। सुशांत के खिलाफ हुई साजिश, जिम पार्टनर ने खोले बड़े राज। ये है सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला। सुशांत की मौत के दो महीने बाद सुनील सामने आए और उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। सुनील का कहना है कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते, वो आत्मविश्वास से भरे शख्स थे। सुसाइड आदमी कब करता है? जब किसी का ग्राफ गिरता है, जिसके पास कुछ काम नहीं है, करियर नहीं, पैसा नहीं है, जिसका ग्राफ ऊपर चढ़ता है। अरे वो तो जब मिला मेरे को बोला भैया मेरे पास इतने पिक्चर आए थे कि मैंने ना कर दिया करण जौहर के कारण, वो सुसाइड करने वाला बंदा नहीं है। सुशांत और सुनील एक ही जिम में जाया करते, उत्तर भारतीय होने के नाते आपस में दुख दर्द भी साझा करते। सुनील के मुताबिक सुशांत को धर्मा प्रोडक्ट की फिल्म ड्राइव ऑफर हुई, फिल्म पूरी भी हो गई लेकिन थिएटर तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह थे सलमान खान। सलमान खान प्रोडक्शन टिप्स इंडस्ट्री चाहती थी कि मेरी ड्राइव पिक्चर थिएटर में नहीं आए, तो बोला सलमान खान को लेगा तो ये करण जौहर को बिठा सकता है। यानी ड्राइव पिक्चर थिएटर में नहीं आए तो करण जौहर को बिठाने वाला एक ही आदमी है, वो है सलमान खान। तो सलमान खान ने इंटेंशनली ये पिक्चर लिया। 9 नवंबर 2017 में पिक्चर प्रोडक्शन चालू हुआ और 15 जून ईद के दिन 2018 को रिलीज हुई। 8 महीने में पिक्चर रिलीज की। उसने फिर एक एक चीज बताया सुशांत जी ने कि ये कैसे कैसे ये लोग ने कांड किया। देखो सुनील का ये भी दावा है कि सुशांत की लगातार हिट होती फिल्मों और बड़े बैनर्स के उनके पीछे भागने से बॉलीवुड में कई लोग खुद को असुरक्षित करने लगे थे, इसीलिए उनके खिलाफ बॉलीवुड का एक धड़ा लामबंद होने लगा। सुनील का कहना है कि सुशांत ने उन्हें एक अवार्ड शो का किस्सा भी बताया था जहां उन्हें बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और शाहिद कपूर ने जलील किया था। मकाओ में उनको बुलाया जाता है, सुशांत सिंह बोलते हैं कि भैया मैं फुल तैयारी के साथ गया, ये लगा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मकाओ में मेरे को स्टेज पे बुलाया जा रहा है और मेरे को बोलना है शाहरुख खान के सामने ये सब। बोले जो तैयारी थी, जो बोलना था, जो बात करना था, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। बोलते मेरे को किस तरह बुलाया गया, शाहरुख खान क्या बोलता है, सुशांत सिंह राजपूत अरे ये नाम है कि पता है एड्रेस है। मतलब मैं तो अचंभित रह गया कि ये मेरा मतलब मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं, और अपमान में अपमान होते रहा। बाद में जब सिग्नेचर स्टाइल का मौका आया था तब मेरे को बीच में खड़ा किया और जैसे मैंने हाथ फैलाने की कोशिश की, दोनों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, बोलते दोनों ने ऑलरेडी प्लान करके प्रैक्टिस किया था, पैर उठा के उन्होंने कुछ उनके डांस के बारे में एक गलत तरीके से उन्होंने एक मजाक उड़ाया। सुनील का कहना है कि उन्होंने अपने बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस से कई बार संपर्क किया लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया, हार कर उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन 225 ऑफ 2020 रिया चक्रवर्ती का है, जिसमें बिहार स्टेट को रिस्पोंडेंट बनाया और महाराष्ट्र स्टेट ने कैविट फाइल किया, उसमें मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया हूँ। ये बोल के कि मुंबई पुलिस में निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती क्योंकि ये सब सेलिब्रिटी जिनको समन किया जा रहा है ये सब लोग ने 18 और 19 में फ्री में पुलिस के प्रोग्राम में परफॉर्म किया है, ये निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, इसकी जांच सीबीआई करे।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म वाला एंगल कहीं पीछे छूट गया था वो सुनील के बयान के बाद अब एक बार फिर से सिर उठाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत की मौत ने सिर्फ उनके फैंस को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को भी सकते में डाल दिया है। खासकर बॉलीवुड के न्यू कमर्स का भरोसा ही हिल गया है। इनमें एक नाम है अंगद हसीजा का, जिन्होंने सुशांत की खबर सुनने के बाद बॉलीवुड छोड़ने का मन बना लिया था। कौन है अंगद हसीजा और कैसी थी उनकी सुशांत के साथ बॉन्डिंग, देखिए इस रिपोर्ट में। सुनील शुक्ला की तरह ही एक और किरदार ऐसा है जो न सिर्फ सुशांत के साथ जिम किया करता था बल्कि वो सुशांत की अदाकारी का भी जबरदस्त फैन था। सपने बहुत बड़े। लेकिन सुशांत की मौत की खबर ने ऐसा सदमा पहुंचाया कि उसने एक्टिंग का करियर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो किरदार कोई और नहीं बल्कि छोटे पर्दे के बड़े स्टार अंगद हसीजा हैं, जो 14 जून को सुशांत की सुसाइड की खबर सुनने के बाद बुरी तरह परेशान हो गए थे। इस घटना के बाद अंगद ने ये प्रोफेशन छोड़ने का मन बना लिया था। बकौल अंगद, सुशांत का टीवी से बॉलीवुड तक का सफर प्रेरणा से भरा रहा। सुशांत के स्टारडम की हर कोई चर्चा करता था। सुशांत की मौत की खबर ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। अंगद हसीजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्हें सुशांत के डिप्रेशन में होने और दवा लेने के बारे में पता चला तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अगर सुशांत जैसे कामयाब एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में इतना कुछ झेलना पड़ा तो उनके जैसे कलाकार के बॉलीवुड में पहुंचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। अंगद हसीजा ने इंटरव्यू में कहा कि ऐसे प्रोफेशन में कोई ना कोई बैकअप होना जरूरी है और उनके पास भी एक्टिंग करियर में फेल होने के बाद फैमिली बिजनेस का विकल्प है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। अंगद ने सुशांत को याद करते हुए कहा कि रियलिटी शो जरा नच के दिखा के दौरान उनकी सुशांत से दोस्ती हुई थी। अवार्ड शोज के दौरान सुशांत से उनकी अक्सर मुलाकात होती थी। सुशांत के साथ एक ही जिम में अंगद वर्कआउट किया करते थे। अंगद के मुताबिक सुशांत काफी ज्यादा एनर्जी से भरे रहते थे। हालांकि फोन पर उनकी कभी बात नहीं होती थी, पर जब भी मुलाकात होती थी सुशांत काफी गर्मजोशी से मिलते थे। ऐसे में ये भरोसा करना मुश्किल है कि इतना जिंदा दिल और मिलनसार सितारा ऐसा कदम उठा सकता है। सुशांत और रिया के रिश्ते का सच दुनिया के सामने है। दोनों लिव इन में रहते थे, यहां तक कि शादी का इरादा भी बना चुके थे। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सुशांत की मौत से एक महीने पहले ही रिया ने सुशांत के साथ अपने अफेयर से साफ इनकार कर दिया था। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या रिया पहले ही सुशांत को छोड़ने का मन बना चुकी थी या इसके पीछे कहानी कुछ और ही है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के फोन कॉल रिकॉर्ड से लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा ये है कि सुशांत की मौत के दिन रिया ने उनके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से काफी देर तक बातचीत की थी। 14 जून को रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच फोन पर बातचीत। रिया और सैमुअल ने करीब 20 मिनट तक फोन पर बातचीत की। उसके बाद भी रिया और सैमुअल फोन पर संपर्क में बने रहे। सवाल है कि सुशांत की मौत के दिन रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच 20 मिनट तक फोन पर बात क्या हुई। सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सुशांत का हाउस मैनेजर होते हुए भी सैमुअल मिरांडा रिया के बेहद खास रहे। सैमुअल ने कई बार सुशांत के खाते से पैसे भी निकाले, जिसे लेकर ईडी भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। इस पूरे मामले में एक और खुलासा ये हुआ है कि रिया ने सुशांत की मौत के करीब 2 महीने पहले ही एक इंटरव्यू में कह दिया था कि उनके और सुशांत के बीच कोई अफेयर नहीं बल्कि दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ताना है। अप्रैल महीने में दिए इंटरव्यू में जब रिया से पूछा गया कि क्या वो सुशांत को डेट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि सुशांत के साथ दिल का नहीं दोस्ती का रिश्ता है। 8 साल से सुशांत के साथ दोस्ती का रिश्ता है। यशराज फिल्म्स के वक्त से ही सुशांत से दोस्ती। रिया ने उस इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हैं और उसे छिपाती नहीं है। जहां तक सुशांत का सवाल है तो वो सबसे अच्छे और कूल इंसान है। बता दें कि पिछले 7 अगस्त को ये खबर आई थी कि सुशांत और रिया शादी करने का इरादा कर चुके हैं। सुशांत एक इंटरव्यू में इस रिलेशनशिप के बारे में बात भी कर चुके थे, पर रिया इसके लिए कुछ और वक्त चाहती थी। सुशांत ने अपने इंटरव्यू में रिया को लेकर कहा था, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है। इस रिश्ते की अभी अभी शुरुआत हुई है, लोगों को ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सुशांत ने कहा था कि वो अपने बारे में तो जवाब दे सकते हैं, पर रिया के बारे में उनसे पूछकर बताना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये रिश्ता शादी के मुकाम तक पहुंचने वाला था
और सुशांत इसे कबूल भी कर रहे थे, तो फिर रिया इस पर कुछ कहने से क्यों कतराती रहीं? वो सुशांत को सिर्फ अपना दोस्त क्यों बताती रहीं? क्या रिया के दिमाग में कुछ और चल रहा था? रिपोर्ट जी मीडिया। क्या सुशांत सिंह राजपूत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के फ्लैट की ईएमआई भर रहे थे? क्या जिस फ्लैट में अंकिता लोखंडे इस वक्त रहती हैं, वो फ्लैट सुशांत सिंह राजपूत का है? दरअसल ईडी जो पैसों की हेराफेरी के मामले में जांच कर रही है, उसमें यही बातें सामने आई हैं। लेकिन इन आरोपों को दरकिनार करते हुए अंकिता लोखंडे ने अब अपने बैंक का स्टेटमेंट जारी कर दिया है। अब इस पर आरोप क्या है और क्या है अंकिता लोखंडे की सफाई, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सुशांत केस में एक तरफ जहां शक की सुई बार बार घूमकर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की तरफ जा रही है, तो दूसरी ओर सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को लेकर भी कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस मामले में ईडी की पड़ताल में ये तथ्य सामने आया है कि सुशांत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के फ्लैट की किश्त भी भर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के मलाड में है अंकिता लोखंडे का फ्लैट, सुशांत के नाम पर बुक है अंकिता का फ्लैट। फ्लैट की मौजूदा कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए। बताया जा रहा है कि ब्रेकअप से पहले सुशांत और अंकिता मलाड वाले फ्लैट में करीब 6 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। सूत्रों के मुताबिक 7 साल पहले सुशांत और अंकिता दोनों ने इस बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर एक एक फ्लैट बुक करवाया था, जिसे बाद में दोनों ने एक साथ जोड़कर 4 BHK का एक बड़ा अपार्टमेंट फ्लैट बना लिया था। और अब इन दोनों फ्लैट्स पर अंकिता का ही पोजीशन है। सवाल है कि क्या सुशांत ने अपना फ्लैट भी अंकिता को सौंप दिया था या फिर अंकिता ने पैसे देकर उनका फ्लैट खरीद लिया। इस बारे में अंकिता ने अपनी तरफ से सफाई पेश करते हुए सोशल मीडिया पर फ्लैट के कागज और अपने अकाउंट का ब्योरा पेश किया है। अंकिता ने कहा है कि ऐसी तमाम अटकलें गलत हैं। उनके फ्लैट के रजिस्ट्रेशन और बैंक खातों का ब्योरा सबके सामने है। फ्लैट की कीमत 1.35 करोड़ है, जिसकी किश्त वो खुद भर रही है। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। सुशांत को न्याय मिले। बता दें कि अंकिता और सुशांत टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता के सेट पर मिले थे, जिसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और कुछ समय बाद उनका ब्रेकअप हो गया। सुशांत की जिंदगी में रिया आ गई और अंकिता के मंगेतर बन गए विकी जैन। रिपोर्ट जी मीडिया। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कहा है कि सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी, और दूसरी तरफ विपक्ष के सीबीआई जांच की मांग को उद्धव सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया, यानी ठुकरा दिया है। हालांकि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है कि वहां से क्या फैसला आता है वो तय क्या करती है। और बताते हैं कि इस मामले की जांच कौन करेगा। सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी या इसका जिम्मा मुंबई पुलिस के पास ही रहेगा, इसे लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग ठुकरा दी। उद्धव सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच से इनकार करते हुए कहा है कि सीबीआई राज्य सरकार की धुर विरोधी है। महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस आणि इतकी पोलीस यंत्रणा महाराष्ट्राची असल्यानंतर ही जबाबदारी सीबीआयला देण्यासाठी राज्य शासनाचा आमचा विरोध आहे। कारण की महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या पद्धतीनं महाराष्ट्र पोलीस अतिशय चांगल्या पद्धतीनं प्रोफेशनली या सर्व सुशांत सिंगच्या केसचा तपास करते। इस बीच सुशांत मामले पर महाराष्ट्र की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने तो इसे मर्डर केस करार देकर ठाकरे सरकार की भूमिका पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष की मांग है कि महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस काबिल है, महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में उनके काम में दखलंदाजी न करे, उनको अपने मन के हिसाब से फ्री हैंड देकर के काम करने दे। बता दें कि सुशांत की मौत के 2 महीने बाद भी मुंबई पुलिस इस मामले के किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, फिर भी उसे सीबीआई जांच से परहेज है।
सवाल इसे लेकर भी उठ रहे हैं कि इस केस में बिहार पुलिस को जांच करने से क्यों रोका गया। बहरहाल अब सबको इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, ताकि सुशांत केस में सही इंसाफ हो सके। सुशांत की एक्टिंग और काबिलियत की चर्चा अब भारत की सीमा को लांघकर अमेरिका तक पहुंच गई है। कुछ दिन पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में होर्डिंग्स लगाकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग की गई थी, और अब कैलिफोर्निया के स्टेट असेंबली ने भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सुशांत सिंह राजपूत की सराहना में उन्हें सम्मानित करते हुए सर्टिफिकेट जारी किया है। सुशांत हमारे बीच नहीं है, पर उनकी प्रतिभा को पूरी दुनिया में सलाम किया जा रहा है। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, तब अमेरिका में सुशांत का सम्मान हो रहा था। इस खास दिन कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित करते हुए सिनेमा और समाज में उनके योगदान की सराहना की। इस प्रमाण पत्र में कहा गया है कि कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली सुशांत को बॉलीवुड सिनेमा में उनके योगदान और समुदाय के लिए परोपकारी कामों के साथ साथ भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए विशेष सराहना करती है। ये सम्मान लेने के लिए सुशांत आज हमारे बीच नहीं, पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ये पुरस्कार लिया। श्वेता ने सर्टिफिकेट के साथ एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैलिफोर्निया ने मेरे भाई के समाज में दिए गए योगदान को पहचाना और सम्मान दिया। कैलिफोर्निया हमारे साथ है और आप, कैलिफोर्निया आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। बता दें कि कैलिफोर्निया में भी सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चल रही है, और इसके लिए वहां सुशांत की एक बड़ी सी होर्डिंग भी लगाई गई है। टीवी सीरियल में कामयाबी के बाद सुशांत घर घर की पसंद बन गए, पर सुनहरे पर्दे पर उन्हें असली स्टारडम मिली फिल्म धोनी से। इस फिल्म के बाद वो बॉलीवुड के चहीते सितारों की कतार में शुमार हो गए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुशांत और उनकी बहनों का वो वीडियो जो फिल्म धोनी के हिट होने के बाद बनाया गया था। परिवार के साथ प्यार भरा ये लम्हा अब कभी वापस नहीं आएगा। हंसते खिलखिलाते इन चेहरों पर अब गम और मातम का पहरा लग चुका है। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपनी चार बहनों के साथ दिख रहे हैं, और सब के सब बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सुशांत की सुपरहिट फिल्म धोनी के बाद का है, जिसे लेकर सुशांत को उनकी बहनें बधाई दे रही हैं। अरे सुशांत का सुशांत के करियर की सबसे चर्चित फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 4 साल पहले पर्दे पर आई थी, और सिर्फ 3 दिन में 66 करोड़ का बिजनेस कर इतिहास रच दिया था। खास बात यह है कि ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब MS धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।